चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में बांध एवं परियोजनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीजीपीएससी चाहे व्यापम, यहाँ से हमेशा एक दो प्रश्न उठाए गए, ठीक है, एक से दो प्रश्न हमेशा यहाँ से बनता है। तो देखो, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग क्या करें कि रिवर सिस्टम वाला जो वीडियो है उसको एक बार और देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी नदियों का नाम बताने वाला हूँ, जितना भी जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनको बताऊंगा। तो अगर आप लोग रिवर सिस्टम वाला वीडियो देख लेंगे या फिर नदियाँ आपका क्लियर होगा, तो बहुत आसानी से आप लोग जितना भी जो डैम है, जितना भी जो परियोजना है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे परियोजना देखेंगे, तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बांध, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे पहला बांध कौन सा है, या फिर छत्तीसगढ़ की सबसे पहली परियोजना कौन सी है। तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर देखो, पहला बांध अगर पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला बांध, तो वहाँ पर आपको किसको लेना है, ये रुद्री बांध को लेना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला बांध कौन सा है, रुद्री बांध। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये महानदी है, महानदी में यहाँ पे धमतरी जिला में रुद्री बांध बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। और यहाँ पे तांदुला नदी है, ठीक है, ये जो शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी यहाँ पे तांदुला नदी, तांदुला नदी पर यहाँ पे तांदुला परियोजना है। तो ये तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की सबसे पहली परियोजना है। तो देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध एवं परियोजना, तो यहाँ पे रुद्री बांध, ठीक है, धमतरी में यहाँ पे रुद्री बांध है, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, पहला बांध है। और तांदुला जो परियोजना है वो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली परियोजना है। कब बनाया गया, 1913 में, और रुद्री बांध 1912 से लेकर के 1915 के बीच में इसको बनाया गया है, ठीक, किसको, ये रुद्री बांध को। चलिए, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है, और भी प्रश्न ये इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो परियोजना और बांध को ध्यान रखिएगा, तांदुला परियोजना पहली परियोजना है और रुद्री बांध पहला बांध है, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे हम लोग हसदेव नदी देखेंगे, यहाँ पे हसदेव नदी, हसदेव नदी में यहाँ पे मिनी माता परियोजना है, ठीक है, हसदेव बांगो बांध, मिनी माता परियोजना यहाँ पे। तो मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, मिनी माता परियोजना। सिंचाई क्षमता हम लोग देखेंगे 4.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और इसके अलावा देखिए, हसदेव बांगो बांध सबसे ऊंचा बांध है, देखो इसको हम लोग क्या सबसे मतलब बड़ी सिंचाई परियोजना देखें, इसके अलावा यहाँ पे सबसे क्या है, ऊंचा बांध भी है, इसको भी याद रखिएगा, हसदो बांग बांध। गंगरेल बांध सबसे लंबा बांध है, ठीक है, ऊंचा में हम लोग किसको देखें, यहाँ पे ये मिनी माता परियोजना मतलब कि हसदो बांगो बांध को देखे हैं। और सबसे लंबा मतलब कि, ठीक है, सबसे लंबा देखो ये गंगरेल बांध यहाँ पे हम लोग देखेंगे धमतरी में, यहाँ पे महानदी में, धमतरी जिला में, तो ये क्या है, सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और वैसे ही आपका रुद्री बांध क्या है, सबसे पुराना है, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको, रुद्री बांध यहाँ पे, रुद्री बांध धमतरी में ही सबसे पुराना है। और सबसे बड़ी परियोजना हसदेव परियोजना, ठीक है, इसको मैं बताएं आपको, ये हसदेव बांगो बांध या फिर मिनी माता परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। तो इसको हम लोग आगे और देखेंगे, फिलहाल कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बांध है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको, इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक, क्योंकि यहाँ यहीं से प्रश्न बनता है, और मतलब यहीं पर लोग जा करके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है नदियों को, नदी वाला चैप्टर में आप लोग जा मतलब नदी वाला वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी वाले सेक्शन में आपको नदी वाला वीडियो मिल जाएगा, तो उसको देखेंगे, तो यहाँ से जो भी नदी मैं बताऊंगा उसको आप लोग मतलब उसमें आपको कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, ये क्या है, ये महानदी है, ठीक है, यहाँ पर अभी आप जो बनाया हुआ क्या है, ये महानदी है, इस प्रकार से ये महानदी है, ठीक है। सिहावा पर्वत से निकाल के इस प्रकार मतलब धमतरी से निकाल करके, सिहावा पर्वत से निकाल करके इस प्रकार से क्या है, महानदी है। अब इस महानदी में कौन कौन सा बांध बनाया गया है इसको हमको समझना है। देखिए, तो सबसे पहले तो ये धमतरी में, ठीक है, धमतरी जिला में यहां पे ये कौन सा बांध है, देखो इस वाले पॉइंट पे, धमतरी में यहां पे दुधवा जलाशय है, ठीक है, ये क्या है, दुधवा जलाशय। और दुधवा जलाशय का निर्माण किया गया था 1962-63 में, ठीक है, 1962-63 में। तो इसमें क्या किया था, दुधवा जलाशय का निर्माण किया गया था 1962 में, याद रखिएगा। दुधवा जलाशय का निर्माण कहाँ है, धमतरी जिला में, यहाँ पे ये महानदी में है, ठीक। अब इसके बाद याद रखना, यहाँ पे ये भी धमतरी में, ठीक, इस वाले पॉइंट में महानदी में ही है, ये क्या है, गंगरेल बांध है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जितना भी बांध यहाँ पे बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट। तो ये गंगरेल बांध का निर्माण किया गया था 1978 में, ठीक है, 1978 याद रखिएगा, 1978-79, ठीक है, इसमें किया गया था गंगरेल बांध का निर्माण, कहाँ पे, धमतरी जिला महानदी में निर्माण किया गया था। और गंगरेल बांध का भी वर्तमान में क्या नाम है, पंडित रविशंकर जलाशय, ठीक है, जो गंगरेल डैम है इसका नाम क्या है, अभी पंडित रविशंकर जलाशय इसका नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध याद रखेगा यह गंगरेल डैम, ठीक है। सबसे ऊंचा हम लोग किसको देखे हैं, यहाँ पे हसदेव बांध जो पढ़ते हैं, हसदेव बांगो बांध,
मिनी माता परियोजना सबसे ऊंचा है और ये क्या है सबसे लंबा है, गंगरेल बांध क्या है सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा क्या है हसदेव बांग बांध, यहाँ पे हम लोग कोरबा में देखेंगे, तो इसको याद रखेगा। एक मिनट, चलिए तो ये गंगरेल बांध याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा, लंबाई कितनी है 1380 मीटर, ठीक है 1380 मीटर इसकी लंबाई है, किसकी, गंगरेल बांध की लंबाई है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। पंडित रविशंकर जलाशय इसका नाम है, ठीक है, मतलब नाम परिवर्तन करके इसका पंडित रविशंकर जलाशय रखा गया है, ठीक, पहले क्या नाम था, गंगरेल बांध था। अब देखिए महानदी में हम लोग कौन कौन से जलाशय देखे, यहाँ पे दुधवा जलाशय और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, गंगरेल बांध देखा, इसके बाद यहाँ पे रुद्री बांध देखिएगा, ठीक है, रुद्री बांध इसका निर्माण किया गया था 1915 में, ठीक है, रुद्री बांध में बता चुका हूँ आपको, रुद्री और तांदुलम बताया था आपका, सबसे पहला, ठीक है, सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन बांध या फिर सबसे पहला बांध अगर पूछा जाए तो रुद्री बांध को लेना है आपको। रुद्री बांध छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे पहला बांध है, 1912 से लेकर के 15 के बीच में इसका निर्माण किया गया है रुद्री बांध का। ये भी किस में है, महानदी में है। तो महानदी में हम लोग धमतरी जिला में 3 बांध देखा, कौन कौन सा, दुधवा जलाशय, गंगरेल बांध और यहाँ पे रुद्री बांध, ठीक है, दुधवा जलाशय, गंगरेल बांध और रुद्री बांध, 3 बांध हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर जो महानदी है इसकी एक सहायक नदी है, ये इस प्रकार से सिलियारी नदी, ठीक है, महानदी की सहायक नदी क्या है, यहाँ पे सिलियारी नदी है और इस सिलियारी नदी में, ठीक है, ये सिलियारी नदी इस प्रकार से, सिलियारी नदी में यहाँ पे क्या है, मुरुम सिल्ली या फिर माडुम सिल्ली जलाशय है, ठीक है, माडुम सिल्ली या फिर मुरुम सिल्ली परियोजना और इसका वर्तमान में क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इसका नाम रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव किसका नाम रखा गया है, तो ये मुरुम सिल्ली परियोजना या फिर माडुम सिल्ली परियोजना 1923 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1923 में निर्माण किया गया था किसका, मुरुम सिल्ली या फिर माडुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली जलाशय का, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना इसका नाम रखा गया है, तो इसको याद रखेगा। तो हम लोगों ने धमतरी में यहाँ पे 4 परियोजना देखा, ठीक है, कौन कौन सी परियोजना हम लोगों ने देखा, मतलब कि कौन कौन सा बांध या फिर कौन कौन सी परियोजना हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे हम लोगों ने दुधवा जलाशय देखा, यहाँ पर हम लोगों ने गंगरेल बांध देखा, ठीक है, गंगरेल बांध या फिर पंडित रविशंकर जलाशय, और यहाँ पर हम लोगों ने सिलियारी नदी में मुरुम सिल्ली परियोजना देखा या फिर छोटे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर ये रुद्री बांध देखा, ये रुद्री बांध, यहाँ पे गंगरेल बांध और यहाँ पे दुधवा जलाशय, ये तीनों किसमें है, महानदी में है, और बाकी ये सिलियारी नदी में है, ये मुरुम सिल्ली परियोजना फिर या फिर क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना। चलिए तो ये क्या था, धमतरी। अब धमतरी के बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे गरियाबंद, ठीक है, तो गरियाबंद में देखो ये महानदी है, इस प्रकार से महानदी हम लोगों ने देखा, महानदी की एक सहायक नदी इस प्रकार से पैरी नदी, ठीक है, पैरी नदी और सोंढूर नदी हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये पैरी नदी है, यहाँ पे ये सोंढूर नदी हम लोग देखते हैं, ठीक है, राज्य में जाकर के मिलते हैं इनको हम लोग, नदी वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके ना, इसीलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि नदी वाले वीडियो आप लोग देखेंगे तो और भी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पैरी नदी, यहाँ पे सोंढूर नदी, फिलहाल सोंढूर नदी का काम नहीं है, तो पैरी नदी में इस वाले पॉइंट में है सीकासार परियोजना, ठीक है, ये क्या है, सीकासार परियोजना, पैरी नदी में क्या है, सीकासार परियोजना कहाँ है, ये गरियाबंद में है, तो इसको याद रखिएगा। पैरी नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, तो ये सीकासार परियोजना को याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए महासमुंद, महासमुंद में यहाँ पे कोडार परियोजना, ठीक है, ये क्या है, कोडार नदी पे क्या है, कोडार परियोजना, इस वाले पॉइंट पे क्या है, कोडार परियोजना, और इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि वीर नारायण सिंह परियोजना किस कौन सी परियोजना पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि कोडार परियोजना को भी क्या बोलते हैं, वीर नारायण सिंह परियोजना बोलते हैं, कोडार परियोजना को भी क्या बोलते हैं, वीर नारायण सिंह परियोजना बोलते हैं, ठीक, कोडार परियोजना का नाम बदल करके वीर नारायण सिंह परियोजना रखा गया है। तो इतने पॉइंट को हमको याद रखना है कि महानदी की सहायक नदी है कोडार नदी, ठीक है, इस प्रकार से कोडार नदी महासमुंद में, और कोडार नदी में है कोडार परियोजना जिसका नाम क्या है, वीर नारायण सिंह परियोजना। चलिए आगे देखते हैं, अब देखें यहाँ पे जोंक नदी, ठीक है, ये क्या है, जोंक नदी है, इस प्रकार से जोंक नदी है, ये भी महानदी की सहायक नदी है, यहाँ पे हम लोग ये शिवनाथ नदी देखेंगे, ठीक है, ये शिवनाथ नदी, तो ये भी महानदी की सहायक नदी, फिलहाल शिवनाथ नदी काम नहीं है, यहाँ पे जोंक नदी को देखिए, तो जोंक नदी है, जोंक नदी में याद रखेगा महासमुंद में यहाँ पे जोंक परियोजना है, महासमुंद में क्या है, यहाँ पे जोंक परियोजना है और यहाँ पे बलौदा बाजार में बलार परियोजना है, ठीक है, तो बलार परियोजना और जोंक परियोजना, ये दो परियोजना को याद रखिएगा, जोंक नदी में है, बलार परियोजना है आपका कहाँ पे, बलौदा बाजार में, और जोंक परियोजना आपका कहाँ है, महासमुंद में है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखिएगा, विशेष करके ये आपका बलार, मतलब ये जोंक परियोजना और बलार परियोजना, ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों किसमें है, जोंक नदी में है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने महानदी में इधर से जितने भी परियोजना है उसको हम लोगों ने समझा। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे हम लोग शिवनाथ नदी देखेंगे, ठीक है, शिवनाथ नदी में कौन सी परियोजना है आगे इसको समझेंगे, फिलहाल
इससे पहले यहाँ पे देखिए, ये केलो केलो नदी, ठीक है, ये केलो नदी है, केलो नदी रायगढ़ में है, तो रायगढ़ में यहाँ पे केलो परियोजना, ठीक है, केलो परियोजना है, केलो परियोजना, इसका नाम क्या है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना किसका नाम है, तो ये केलो परियोजना का ही नाम क्या है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसके बाद यहाँ पे ये मिनी माते परियोजना हम लोग यहाँ देखेंगे, हसदेव नदी में, हसदेव नदी में यहाँ पे क्या है, हसदेव बांगो बांध, ठीक है, हसदेव नदी में क्या है, हसदेव बांगो बांध, तो यहाँ पे कोरबा में क्या है, मिनी माता परियोजना, कोरबा में क्या है, मिनी माता परियोजना, मिनी माता परियोजना इसका निर्माण किया गया था 1967 में, ठीक है, 1967 में इसका निर्माण किया गया था, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, क्षमता मतलब देखो सबसे मतलब सबसे बड़ी परियोजना भी है, मतलब कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पूछा जाए तो मिनी माता सिंचाई परियोजना है, क्षमता इसका 4.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 4.2 लाख हेक्टेयर, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ पे ऐसे 4,20,580 हेक्टेयर, ठीक है, 4,20,580 हेक्टेयर इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है, तो ये 580 अगर डिटेल में और पूछ देता है तो 580 को लेना है फिलहाल आपको, इतने को याद रखना, 4.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड में लिख दिया हूँ, 4.2 लाख हेक्टेयर, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, पूछा जा सकता है कि मिनी माता जो सिंचाई परियोजना है इसका क्षमता कितना है, ठीक है, इसकी सिंचाई मतलब सिंचाई क्षमता कितनी है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इतने इसको याद रखेगा। और 801 गांव को, ठीक है, 801 ग्राम को इसके माध्यम से अभी सिंचाई किया जा रहा है, किसके माध्यम से सिंचाई परियोजना, मिनी माता सिंचाई परियोजना के माध्यम से 801 गांवों को अभी तक मतलब ये सिंचाई किया जा रहा है, ठीक है, 801 गांव याद रखेगा इसको। चलिए, तो ये क्या है, मिनी माता सिंचाई परियोजना, निर्माण कब किया गया था, 1967 में, सबसे ऊंचा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना भी है, मतलब कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर बनाया गया, तो हसदेव नदी पर बनाया गया है, कोरबा में इस वाले पॉइंट पे, और ये हसदेव नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो इतने पॉइंट हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब देखिए आगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, देखो महानदी में इस वाले पॉइंट पे क्या है, ये समोदा परियोजना, ठीक है, समोदा बैराज जो कि है आपका रायपुर में, ठीक है, रायपुर में क्या है, समोदा बैराज है, ये जो महानदी है, महानदी में टोटल 6 बैराज बनाए गए हैं, ठीक है, टोटल क्या बांध तो ये बनाए गए हैं, आपका ये रुद्री बांध है, आपका ये दुधवा जलाशय है, गंगरेल बांध है, ये सब बांध तो बनाए गए, लेकिन 6 बैराज भी बनाए गए हैं, तो जो बैराज बनाए गए हैं इसमें एक समोदा बैराज हम लोगों ने देखा यहाँ पे, जो रायपुर में महानदी में यहाँ पे समोदा बैराज इसको हम लोगों ने समझा, लेकिन इसके अलावा जो 5 और बैराज है वो कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, ठीक है, इनको याद रखेगा, जांजगीर चांपा में इन बैराज को भी याद रखेगा, और ये कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे जांजगीर चांपा हम लोग देखते हैं, देखिए ये जांजगीर चांपा में इस प्रकार से ये महानदी यहाँ पे प्रवाहित होती है, यहाँ पे बलौदा बाजार, यहाँ पे जांजगीर चांपा के बीच में सीमा विभाजित करती है, तो जब जांजगीर चांपा में इस प्रकार से जब महानदी प्रवाहित होती है तो वहाँ पे 5 बैराज बनाए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 करके 5 बैराज यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये 5ों बैराज को याद रखेगा, क्या क्या बैराज है, 5ों बैराज का नाम आप लोग याद रखेगा, कौन कौन सा बैराज है, सिवरी नारायण बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, साराडी बैराज और कलमा बैराज, तो ये 5ों बैराज का नाम याद रखेगा, ये क्या है, ये जांजगीर चांपा में है, ठीक है, जब शक्ति अलग हो जाएगा जांजगीर चांपा से तो ये साराडी बैराज और कलमा बैराज ये दोनों शक्ति में चला जाएगा, तो फिलहाल इतना डिटेल में भी नहीं जाना है, अभी फिलहाल याद रखना कि जांजगीर चांपा में ये 5ों के 5ों बैराज हैं, कौन कौन सा, सिवरी नारायण, बसंतपुर, मिरौनी, साराडी और कलमा बैराज, ठीक है, तो 5ों का नाम याद रखेगा, ये पूछा जा चुका है ना ये भी, तो टोटल महानदी में 6 बैराज बनाए गए हैं, 6 बैराज में से 5 बैराज कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, और 1 बैराज आपका ये रायपुर में है, कौन सा, समोदा बैराज, देखो यहाँ पे हम लोग समोदा बैराज देखेंगे, ये क्या है, समोदा बैराज है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ये सरोदा बैराज भी देखेंगे, ठीक है, कंवर्धा में इस वाले पॉइंट पे हम लोग सरोदा बैराज देखेंगे, तो सरोदा और समोदा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, देखिए तो ये महानदी में जितने भी यहाँ पे बैराज या फिर जो डैम बनाए गए उसको हम लोगों ने समझा, अब देखिए यहाँ पे शिवनाथ नदी को, तो ये वाला पॉइंट में क्या है, देखो ये क्या है, शिवनाथ नदी, इस प्रकार से ये शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी में यहाँ पे राजनांदगांव में क्या है, मुंगरा बैराज, ठीक है, मुंगरा बैराज याद रखिएगा, ये क्या है, मुंगरा बैराज कहाँ है, ये राजनांदगांव में है, और यहाँ पे सूखा नाला बैराज,
इस वाले पॉइंट पे सुखा नाला बैराज कौन सी नदी पर है, या सुखा नाला नदी पर है, मोंगरा बैराज किस नदी पर है, यहाँ पे शिवनाथ नदी पर। देखो नदी का भी नाम आपको याद रखना है, कौन कौन सी नदी पर, इसीलिए सब नदी को यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। तो नदी को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कौन सा बैराज, कौन सा डैम, कौन सा परियोजना किस नदी पर बनाया गया ये पूछा जाता है। तो आपको विशेष करके जितना भी जो नदी है उसको आप लोग ध्यान देते जाएँ। तो यहाँ पे क्या है, सुखा नाला बैराज, ठीक है, सुखा नाला नदी पर। यहाँ पे मोंगरा बैराज आपका शिवनाथ नदी पर, ठीक है, ये शिवनाथ नदी पर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे घुमरिया बैराज, ठीक है, इसका नदी का नाम नहीं है, तो ये फिलहाल घुमरिया बैराज याद रखेगा। इस वाले पॉइंट पे क्या है, घुमरिया बैराज राजनांदगांव में। तो ये राजनांदगांव में हम लोगों ने यहाँ पे तीन जो बांध है या फिर जो बैराज है इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है, राजनांदगांव में तीन बैराज को देखा, कौन कौन सा, घुमरिया, सुखा नाला और मोंगरा बैराज, ठीक है। अब इसमें देखो ये राजनांदगांव में हम लोगों ने तीन देखा। अब इसके बाद देखिए ये शिवनाथ नदी, इसकी एक सहायक नदी यहाँ पे खरखरा नदी और यहाँ पे तांदुला नदी, ठीक है, ये तांदुला नदी और खरखरा नदी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तांदुला और खरखरा। अब जो खरखरा नदी है इसमें क्या बनाया गया, खरखरा परियोजना, खरखरा बांध, जो कि देखो ये खरखरा बांध इस प्रकार से है, और इसको याद रखिएगा मिट्टी से बनाया गया बांध अगर पूछा जाए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिट्टी से बनाया गया कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा खरखरा बांध को, ठीक, खरखरा बांध जो कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी से बना हुआ बांध है। अब यहाँ पे तांदुला परियोजना, ठीक है, तांदुला परियोजना, तो ये तांदुला परियोजना को याद रखें कि तांदुला नदी में है, खरखरा नदी में खरखरा परियोजना, तांदुला नदी में क्या है, तांदुला परियोजना है। यहाँ पे एक गोंदली परियोजना भी है, ठीक है, गोंदली परियोजना को भी याद रखेगा, ये भी कहाँ है आपका, बालोद में है। तो बालोद में कौन कौन सी परियोजना है, तीन परियोजना का हम लोगों ने यहाँ पे देखा, कौन कौन सा, तांदुला परियोजना, खरखरा परियोजना और गोंदली परियोजना, ठीक है। यहाँ पर तीन कौन, देखो तांदुला नदी में तांदुला परियोजना, खरखरा नदी में खरखरा परियोजना और यहाँ पे गोंदली परियोजना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने देखा, तीन देखा। यहाँ पर भी हम लोग तीन परियोजना, तीन बैराज को देखा था, कौन कौन सा, घुमरिया बैराज, सुखा नाला और मोंगरा बैराज, कहाँ पे, राजनांदगांव में। अब देखो यहाँ पे हम लोग कांकेर में भी तीन देखते हैं, कौन कौन सा, परालकोट परियोजना, मयाना परियोजना और खेरकट्टा परियोजना। खेरकट्टा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मथोली नदी पर यह बनाया गया है, मथोली नदी पर यह खेरकट्टा परियोजना बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो खेरकट्टा परियोजना कहाँ है, कांकेर में है, और किस नदी पर बनाया गया है, तो मथोली नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तीन के पेयर आपको याद रखना है, ये तीन यहाँ पे, ये तीन यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीन देखेंगे, ठीक है, कवर्धा में। तो ये तीनों को देखो, यहाँ पे परालकोट परियोजना, मयाना परियोजना और खेरकट्टा परियोजना, तीनों देखा हम लोगों ने, कहाँ, ये कांकेर में है। यहाँ पे घुमरिया बैराज, सुखा नाला बैराज, मोंगरा बैराज, ये तीनों कहाँ है, आपका राजनांदगांव में है। कौन सी नदी पर है इसको भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए कवर्धा में या फिर कबीरधाम में आपका क्षीरपानी परियोजना, ठीक है, क्षीरपानी परियोजना और सरोदा परियोजना और कर्रनाल परियोजना, ठीक है। यहाँ पे सरोदा और समोदा में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे समोदा है, कहाँ है आपका, रायपुर में, समोदा कहाँ है, रायपुर में है, जबकि सरोदा आपका ये कबीरधाम में है, ठीक है, कवर्धा में है। तो इतने को याद रखिएगा, ठीक है। इनका देखो कर्रनाला है, मतलब कि ये नदी का ही नाम है, कर्रनाला परियोजना, कर्रनाला नदी पर बनाया गया है, क्षीरपानी परियोजना और सरोदा मतलब कि सरोदा परियोजना, ठीक है। इनका नदी का नाम नहीं है, क्योंकि इनका नदी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये इसको भी मतलब इसमें भी याद रखिएगा, तीन परियोजना का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये तीन, यहाँ पर ये तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन तीन के पेयर में आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा याद होगा। देखिए अब आगे और तो यहाँ पे हम लोगों ने जो शिवनाथ नदी की सहायक नदी तांदुला और खरखरा इन दोनों को देख लिया, यहाँ पे गोंदली को भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पे शिवनाथ नदी की यहाँ पे सहायक नदी अर्पा नदी और मनियारी नदी को देखिए, इस प्रकार से शिवनाथ नदी है, ठीक, इधर ये शिवनाथ नदी है और इसकी सहायक नदी यहाँ पे ये अर्पा नदी इस प्रकार से है और यहाँ पे ये मनियारी नदी, ठीक है, अर्पा और मनियारी। तो ये जो मनियारी नदी है हम लोग जानते हैं यहाँ पे बिलासपुर और मुंगेली के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है, इस प्रकार से सीमा विभाजक का काम कर रही है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जो मनियारी नदी, इसमें एक इसकी सहायक नदी है यहाँ पे घोंघा नदी। मनियारी नदी की सहायक नदी कौन सी है यहाँ पे, ये घोंघा नदी है। इस प्रकार से घोंघा नदी पर एक परियोजना है, कौन सा, घोंघा परियोजना, याद रखिएगा, घोंघा नदी पर घोंघा परियोजना है। और यहाँ पे जो मनियारी नदी है, ये जो मनियारी नदी, ठीक है, ये जो मनियारी नदी है, इस मनियारी नदी पर इस वाले पॉइंट पर है खुड़िया परियोजना, ठीक है, खुड़िया परियोजना या फिर राजीव गांधी परियोजना, याद रखिएगा दोनों का नाम, खुड़िया परियोजना या फिर राजीव गांधी परियोजना, मतलब कि देखो खुड़िया परियोजना का नाम बदल करके राजीव गांधी परियोजना रखा गया है। तो ये जो नाम यहाँ पे बदला गया है इसको भी आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। अब देखें यहाँ पे जो अर्पा नदी है, इस प्रकार से अर्पा नदी कहाँ बहती है, बिलासपुर बहती। तो इस वाले पॉइंट पे बिलासपुर में क्या बनाया गया है, भैंसाझार परियोजना। तो भैंसाझार परियोजना यहाँ पे है और यहाँ पे खारंग नदी, ठीक है, खारंग नदी में आपका
खूंटाघाट परियोजना, खारंग नदी में क्या है यहाँ पे, खूंटाघाट परियोजना। देखिए खारंग नदी इस प्रकार से, खारंग नदी है आपका अर्पण नदी की सहायक नदी, इस प्रकार से अर्पण नदी है, अर्पण नदी की सहायक नदी क्या है, खारंग नदी है, खारंग नदी में क्या है, खूंटाघाट परियोजना। खूंटाघाट परियोजना का नाम क्या है, संजय गांधी परियोजना। तो ये संजय गांधी परियोजना याद रखेगा यहाँ पे, ये मनियारी नदी में, यहाँ पे राजीव गांधी परियोजना याद रखेगा, ठीक है। खुड़िया परियोजना, खुड़िया परियोजना का नाम क्या है, राजीव गांधी परियोजना। तो राजीव गांधी परियोजना और संजय गांधी परियोजना दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे खूंटाघाट लिखा है, यहाँ पे खुड़िया लिखा हुआ है, तो खो खो दोनों में है, लेकिन आपका ये खूंटाघाट में क्या है, संजय गांधी है, और राजीव गांधी किस में है आपका, ये मनियारी, मनियारी नदी में, ठीक है। खुड़िया जो बांध है उसी को क्या बोला जाता है, राजीव गांधी परियोजना बोला जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने तीन बांध देखा, कौन कौन सा, खूंटाघाट परियोजना, भैंसाझार परियोजना और घोंघा परियोजना, ठीक है। घोंघा परियोजना आपका घोंघा नदी में है, अर्पा नदी में आपका भैंसाझार परियोजना है, खूंटाघाट परियोजना आपका संजय, मतलब कि संजय गांधी, सॉरी, खूंटाघाट परियोजना आपका किस में है, खारंग नदी पर है, खारंग नदी में आपका क्या है, खूंटाघाट परियोजना, जिसका नाम क्या है, संजय गांधी परियोजना। चलिए अब यहाँ पे मुंगेली में हम देखो, यहाँ पे जो तीन हम लोग देखें, ये तीनों किस में है, बिलासपुर में है, ये तीनों किस में है, बिलासपुर में, ठीक। इसके अलावा ये जो खुड़िया हम लोग देखें, खुड़िया या फिर संजय जो राजीव गांधी परियोजना, खुड़िया परियोजना या फिर जो राजीव गांधी परियोजना किस में है आपके, मुंगेली में है, ठीक है। ये मुंगेली में याद रखना है, यहाँ पे इसको बिलासपुर में नहीं लेना ना, मुंगेली में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मुंगेली में आपको लेना है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है उनमें कौन कौन सी परियोजना है उसको हम लोगों ने समझा, ठीक है। यहाँ पे खरखरा हम लोग देखे थे, यहाँ पे तांदुला देखे थे, यहाँ पे अर्पा देखे हैं, यहाँ पे मनियारी देखे हैं, यहाँ पे अर्पा में खारंग नदी में खारंग परियोजना, अर्पा नदी में भैंसाझार परियोजना, घोंघा नदी में यहाँ पे घोंघा परियोजना, मनियारी नदी में यहाँ पे खुड़िया परियोजना, फिर राजीव गांधी परियोजना, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको, यहाँ पे केलो नदी में हम लोगों ने केलो परियोजना देखा था, क्या नाम है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ठीक है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना हम लोगों ने केलो नदी में देखा। अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, मतलब भारत सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इस योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ से तीन परियोजनाएं हैं जिसको शामिल किया गया है। कौन कौन सा, खारंग सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना और केलो सिंचाई परियोजना। खारंग सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना और केलो सिंचाई परियोजना। तो कहाँ है केलो सिंचाई परियोजना, ये केलो सिंचाई परियोजना है। मनियारी परियोजना, ठीक है, ये आपका, ये मनियारी मतलब कि खुड़िया, जो खुड़िया परियोजना है या फिर जो राजीव गांधी जो परियोजना है, ये मनियारी में यहाँ पे जो परियोजना बनाया गया है मनियारी नदी में, तो वो क्या है आपका, मनियारी परियोजना। और तीसरा क्या है आपका, खारंग परियोजना, आपका ये खूंटाघाट परियोजना जो हम लोग देख रहे हैं, ये खारंग नदी में यहाँ पे, तो ये खूंटाघाट परियोजना। तो ये तीन जो परियोजनाएं हैं इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन सा, ये केलो सिंचाई परियोजना या फिर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, और ये खुड़िया रानी परियोजना या फिर मनियारी नदी परियोजना, ठीक है, मनियारी परियोजना, और यहाँ पे खूंटाघाट परियोजना या फिर संजय गांधी परियोजना या फिर ये खारंग परियोजना, ठीक है, खारंग परियोजना। तो इस प्रकार से इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, तीनों के तीनों क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये शामिल किया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे और देखिए क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, रिहंद नदी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सोन नदी पढ़ते हैं, इस प्रकार से सोन नदी की सहायक नदी यहाँ पे रिहंद नदी, इस प्रकार से जाकर के रिहंद नदी सोन नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक। गंगा पाहतंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, गंगा पाहतंत्र के अंतर्गत आपका सोन नदी आता है, सोन नदी की सहायक नदी यहाँ पे रिहंद नदी है। तो ये रिहंद नदी की एक सहायक नदी है महान नदी, इस प्रकार से महान नदी में महान परियोजना बनाया गया है, कहाँ पे, सूरजपुर में। तो सूरजपुर में यहाँ पे महान परियोजना याद रखिएगा, सूरजपुर में बनाया गया है महान नदी पर महान परियोजना। और यहाँ पे जो रिहंद नदी है उसकी सहायक नदी यहाँ पे घुनघुट्टा नदी, और इसकी एक सहायक नदी इस प्रकार से चूल्हट नाला नदी, ठीक है, घुनघुट्टा नदी और यहाँ पे चूल्हट नाला नदी। देखिए तो ये क्या है, ये रिहंद नदी है, इसकी सहायक नदी इस प्रकार से घुनघुट्टा नदी और ये चूल्हट नाला नदी। तो यहाँ पे जो घुनघुट्टा नदी है, इस घुनघुट्टा नदी में श्याम सिंचाई परियोजना बनाया गया, ठीक है। क्या, श्याम सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा में देख रहे हैं। तो सरगुजा में क्या है, यहाँ पे श्याम सिंचाई परियोजना है, इस वाले पॉइंट पे क्या है, बंकी परियोजना है, और इस वाले जो चूल्हट नाला नदी है, ठीक है, चूल्हट नाला नदी में ये कुंवरपुर परियोजना है। तो ये तीन परियोजना को याद रखिएगा, कहाँ है ये, सरगुजा में है। कौन कौन सा, श्याम सिंचाई परियोजना, बंकी परियोजना और कुंवरपुर परियोजना। आपका कुंवरपुर परियोजना आपका चूल्हट नाला नदी में है, ठीक है, यहाँ पे चूल्हट नाला में है, और यहाँ पे जो घुनघुट्टा नदी है इसमें श्याम सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो चूल्हट नाला में कौन सा है, चूल्हट नाला में आपका कुंवरपुर है, और श्याम सिंचाई परियोजना आपका घुनघुट्टा नदी में है। तो इतने को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
यह रिहंद नदी, यहाँ पे घुनघुट्टा नदी, यहाँ पे चुल्हट नाला, चुल्हट नाला में यहाँ पे कुंवरपुर, और यहाँ पे श्याम सिंचाई परियोजना, और इसका नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, बंकी परियोजना, ठीक है। ये बंकी परियोजना ये भी कहाँ है आपका, सरगुजा में है। तो इतने परियोजना को याद रखिएगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, और भी ये पूछा जाएगा, तो इतने को हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंद्रावती नदी, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी में इस वाले पॉइंट पे क्या है, बोधघाट परियोजना, ठीक है, दंतेवाड़ा में आपका ये क्या है, दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में क्या है, बोधघाट परियोजना, याद रखिएगा, बहुत दिन से लटका हुआ था लेकिन अब वर्तमान में ये चालू किया जा रहा है। तो ये क्या है, बोधघाट परियोजना है, ठीक है, बोधघाट परियोजना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर बनाया गया ये पूछा जाता है। तो बोधघाट परियोजना किस में बनाया गया है आपका, ये इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, ये दंतेवाड़ा में, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। अब देखिए जो बोधघाट यहाँ पे इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी की यहाँ पे नारंगी नदी एक सहायक नदी है, ठीक है, नारंगी नदी सहायक नदी है। यहाँ पे कोसा टेडा नदी, कोसा टेडा नदी आपके नारंगी नदी की सहायक नदी है। तो जो कोसा टेडा नदी है, कोसा टेडा नदी में है कोसा टेडा परियोजना, ठीक है, बस्तर में है। तो कोसा टेडा परियोजना कहाँ है पूछा जाए तो बस्तर में, याद रखना है। और किस नदी पर पूछा जाए तो कोसा टेडा नदी पर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो इतने हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे देखा है, जितने ही परियोजना, सारे के सारे परियोजना इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं कौन सी परियोजना कहाँ पे है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो हम लोगों ने लगभग लगभग सभी परियोजना को देख लिया। अब देखो इसमें आपको विशेष करके एक चीज याद रखना है, जो नाम बदला गया है, जिन भी परियोजनाओं का नाम बदल करके दूसरा नाम रखा गया है, उनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मुरुम सिल्ली या फिर माडुम सिल्ली परियोजना हम लोगों ने देखा, उसका नाम क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। यहाँ पे जो गंगरेल बांध हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये मुरुम सिल्ली बांध किसमें है आपका, ये सिलियारी नदी में है, ठीक है। मुरुम सिल्ली या फिर माडुम सिल्ली जो बांध है उसका नाम क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, जो कि सिलियारी नदी में है। यहाँ पे जो गंगरेल बांध देखा वो किसमें है, महानदी में है। पंडित रविशंकर जलाशय इसका नाम रखा गया है, ठीक है, पंडित रविशंकर जलाशय इसका नया नाम। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, लंबाई कितनी है, 1380 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये दोनों दो जो नाम बदला गया है, पंडित रविशंकर जलाशय, यहाँ पे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इंपॉर्टेंट याद रखेगा। यहाँ पे कोडार परियोजना हम लोग देखेंगे महासमुंद में, इस प्रकार से महानदी की सहायक नदी यहाँ पे कोडार नदी है। कोडार नदी में यहाँ पे कोडार परियोजना देखते हैं, उसका नाम क्या रखा गया है, वीर नारायण सिंह परियोजना, ठीक है, वीर नारायण सिंह परियोजना याद रखेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम भी यहाँ बदला गया है, तो ये पूछा जा चुका है। यहाँ पे केलो परियोजना हम लोग देखते हैं, तो केलो परियोजना का नाम क्या है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे परियोजना, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये खूंटा घाट, ठीक है, जो खारंग नदी है, खारंग नदी अर्पण नदी की सहायक नदी, तो इस खारंग नदी में एक खूंटा घाट परियोजना का नाम क्या है, संजय गांधी परियोजना। यहाँ पे जो खुड़िया खुड़िया मनियारी नदी में क्या है, खुड़िया बांध, इस वाले पॉइंट पे खुड़िया बांध, तो खुड़िया बांध क्या है, संजय गांधी परियोजना, ठीक है, संजय गांधी परियोजना। तो ये संजय सॉरी राजीव गांधी परियोजना, ठीक है, ये राजीव गांधी परियोजना है और ये क्या है, संजय गांधी परियोजना। ये खुड़िया बांध क्या है, राजीव गांधी परियोजना है और ये आपका संजय गांधी परियोजना। कौन सा, ये खारंग नदी पर जो बनाया गया है खूंटा घाट परियोजना, उसका नाम क्या है, संजय गांधी है। और यहाँ पे खुड़िया जो खुड़िया बांध है, यहाँ पे खुड़िया बांध मनियारी नदी में, इसका नाम क्या है, राजीव गांधी परियोजना। तो जितना भी ये नाम परिवर्तन करके रखा गया है, मतलब बनाया गया नाम परिवर्तन किया गया है, इनको आप लोग को विशेष करके याद रखना है क्योंकि पूछा था। यहाँ पे देखो मिनी माता परियोजना, हसदेव बांगो बांध का नाम परिवर्तन करके आ रहा है, मिनी माता परियोजना रखा गया है। तो मिनी माता परियोजना याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो सिंचाई परियोजना है वो मिनी माता परियोजना है। सिंचाई क्षमता 4.2 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता याद रखिएगा। और ऐसे पूछा जा सकता है 4,20,580, ठीक है, इस प्रकार से। तो 4,20,580 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई क्षमता है, 801 गांव इसमें सिंचाई किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखिए चलिए एक बार हल्का फुल्का और रिवाइज कर लेते हैं, और जो जो और मतलब इंपॉर्टेंट जो बांध है इन सबको देखो। यहां पे हम लोगों ने कांकेर में देखिए, यहाँ पे परालकोट परियोजना, मयाना परियोजना और खेरकट्टा परियोजना। खेरकट्टा परियोजना आपका मथोली नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे शिवनाथ नदी में हम लोगों ने देखा, शिवनाथ नदी में यहाँ पे आपका राजनंदगांव में मोंगरा बैराज है, और राजनंदगांव में और क्या क्या है, घुमरिया बैराज है, सुखानाला बैराज है, ठीक है। तीन बैराज यहाँ पे याद रखिएगा, तीन बैराज यहाँ पे याद रखिएगा, तीन बैराज यहाँ पे और याद रखते जाइएगा। यहाँ पर भी तीन यहाँ पे मतलब परियोजना है। कौन कौन सा, तांदुला परियोजना, तांदुला नदी पर। यहाँ पे खरखरा परियोजना, खरखरा नदी पर मिट्टी से बनाया गया बांध है। यहाँ पे गोंदली परियोजना, ठीक है, खरखरा नदी क्या है, खरखरा परियोजना क्या है, मिट्टी से बनाया गया बांध, और यहाँ पे ये क्या है, गोंदली परियोजना। तो एक सभी कहाँ है, बालोद में है, ठीक है। और ये तांदुला और खरखरा आपका शिवनाथ नदी के सहायक नदी, इसको भी याद रखेगा।
यहाँ पे क्षीरपानी परियोजना, सरोदा परियोजना, कर्रानाल परियोजना, ठीक है, ये कहाँ देखा हम लोगों ने, कवर्धा देखा है, फिर कबीरधाम जिला में हम लोगों ने इनको देखा। मुंगेली में सिर्फ एक परियोजना याद रखिएगा, खुड़िया रानी परियोजना, खुड़िया परियोजना, फिर राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी पर, ठीक है, राजीव गांधी या फिर खुड़िया परियोजना मनियारी नदी पर बनाया गया है मुंगेली में। यहाँ पे बिलासपुर में हम लोगों ने तीन परियोजना देखा, खारंग नदी पर, अरपा नदी पर और यहाँ पे घोंघा घोंघा नदी पर, खूंटाघाट परियोजना, भैंसाचार परियोजना और घोंघा परियोजना, ठीक है, तीन परियोजना यहाँ पे देखा। वैसे ही हम लोगों ने तीन परियोजना यहाँ पे सरगुजा में देखा, कौन कौन सा, श्याम सिंचाई परियोजना, बंकी परियोजना और कुंवरपुर परियोजना, ठीक है। मिनी माता परियोजना रायगढ़ में सिर्फ एक ही परियोजना हम लोग देखें, हसदेव बांगो बांध में मिनी माता परियोजना बनाया गया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना है। क्षमता हम लोगों ने 4.2 लाख हेक्टेयर देखा। निर्माण कब किया गया था, 1967 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है ये, कौन सा, हसदेव बांगो बांध, ठीक है। यहाँ पे झुमका बांध याद रखेगा, झुमका परियोजना कहाँ पे, कोरिया में झुमका परियोजना। यहाँ पे महान परियोजना हम लोगों ने देखा था, रिहान नदी की सहायक नदी महान नदी है, उसमें महान परियोजना बनाया गया है। यहाँ पे केलो परियोजना हम लोगों ने देखा था, स्वर्गीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, जो केलो नदी है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, इस प्रकार से महानदी की सहायक नदी है। चलिए ये महानदी, ठीक है, यहाँ पे महान नदी है और यह महानदी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बोलने में हो सकता है आपको उच्चारण थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बट यहाँ पे ये वाला क्या है, महान मतलब महानदी है और ये क्या है, महान नदी है। यहाँ पे इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं है, ये महानदी हम लोग देखते हैं यहाँ पे धमतरी से निकल करके इस प्रकार से प्रवाहित होती है। और देखिए यहाँ पे ये धमतरी में हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा, रुद्री बांध देखा था, यहाँ पे सिलियारी नदी पर हम लोगों ने मोरूम से लिए फिर माडूम से लिए देखा था, 1923 में इसका निर्माण किया गया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। दुधवा जलाशय हम लोगों ने देखा 1962-1963 में ये बनाया गया है महानदी पर, और यहाँ पे गंगरेल बांध हम लोगों ने देखा 1978 में, ठीक है, पंडित रविशंकर जलाशय इसका नाम रखा गया, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, 1380 मीटर इसकी लंबाई है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जांजगीर चांपा समझ में आ गया, जो महानदी है उसमें 6 बैराज बनाए गए हैं, 6 बैराज में जो 5 बैराज है जांजगीर चांपा में है, और एक बैराज कहाँ है, समोदा बैराज, जो कि रायपुर में है, समोदा बैराज आपका रायपुर में है, और यहाँ पे जांजगीर चांपा में क्या है, 5 बैराज, शिवरी नारायण, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, साराडी बैराज और कलमा बैराज, ये 5ों बैराज कहाँ है, जांजगीर चांपा में, याद रखेगा इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो लिखा हुआ इसको मैं बता चुका हूँ पहले भी आपका, हसदो बांगो बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, यहाँ पे कोरबाम हम लोगों ने देखा मिनी माता परियोजना के नाम से। गंगरेल बांध हम लोगों ने देखा सबसे लंबा बांध है, यहाँ पे देखें 1380 मीटर, ठीक है, ये गंगरेल बांध यहाँ पे महानदी में बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखा रुद्री बांध हम लोग देखा सबसे पुराना या फिर सबसे प्रथम बांध। सबसे बड़ी परियोजना हसदेव बांगो बांध हम लोगों ने देखा, ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना हसदेव बांगो बांध यही है आपका, ये 4.2 लाख हेक्टेयर में बताऊँ मिनी माता, और यहाँ पे मैं इसको बता चुका हूँ, प्रथम बांध और प्रथम परियोजना। रुद्री बांध को अगर पूछा मतलब बांध अगर पूछा जाता है तो ये आपका रुद्री बांध आएगा, मतलब कि प्रथम बांध अगर बोले तो आपको रुद्री बांध को लेना है, प्रथम परियोजना पूछे तो आपको तांदुला परियोजना को लेना है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देखा। अब देखिए इसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जो जल विद्युत परियोजना हम लोग देखते हैं, जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में जितने भी जो जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो जल विद्युत परियोजना के माध्यम से जो विद्युत का उत्पादन है वो कितना किया जाता है, देखो एक मिनट, ठीक है, 138.7 मेगावाट का जो विद्युत उत्पादन होता है वो जल विद्युत के माध्यम से होता है, ठीक है। जितने भी जो डैम बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में उन डैम में जनरेटर मोटर जनरेटर लगा करके आपका, ठीक है, मोटर नहीं जनरेटर लगा करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो 138.7 मेगावाट का जो विद्युत उत्पादन होता है वो जल विद्युत से होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग ताप विद्युत पढ़ते हैं, जल विद्युत पढ़ते हैं और एक सह उत्पादन भी पढ़ते हैं, तो जो ताप विद्युत के बारे में हम लोग बात करते हैं, ताप विद्युत हम लोग जानते हैं कितना होता है, ठीक है, 30-80 मेगावाट ये जो हम लोग पढ़ते हैं फिलहाल, इसको अभी छोड़िए, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे इधर बताऊंगा तो, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग देख चुके हैं, जो विद्युत वाला जो चैप्टर हम लोग देखे हैं आर्थिक सर्वेक्षण का, उसमें हम लोगों ने बात किया था, तो जो हम लोगों ने ताप विद्युत को छोड़िए 30-80 हम लोग उधर पढ़ते हैं उसको हटाइए अभी, यहाँ पे जल विद्युत को बस ध्यान देना, देखो 138, ठीक है, यहाँ पे 138.7 मेगावाट का जो जल विद्युत उत्पादन है हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है, सिर्फ जल विद्युत से। तो एक तो मिनी माता, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये जो मिनी माता परियोजना है, मिनी माता परियोजना से 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है, इसको यहाँ ना लिख करके हम लोग यहाँ लिखते हैं, 120 मेगावाट का जो जल विद्युत है वो आपका मिनी माता परियोजना से यहाँ से मतलब जल विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है, जो हसदो बांगो बांध है वहाँ से 120 मेगावाट का जल विद्युत का उत्पादन होता है। वैसे ही आपका जो गंगरेल बांध है, ठीक है, कहाँ है गंगरेल बांध, यहाँ है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर धमतरी में, तो जो गंगरेल बांध है यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन कितना हो, 10 मेगावाट, ठीक है,
10 मेगावाट का जो जल विद्युत उत्पादन है गंगरेल बांध से होता है। इसके अलावा यहाँ पे सीकासार याद रखेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये सीकासार है गरियाबंद में, तो सीकासार से याद रखेगा 7 मेगावाट का, 7 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है। और एक और कोरबा में भी मतलब एक जल विद्युत उत्पादन होता है 1.7 मेगावाट का, जो कोरबा पश्चिम रिटर्न ऐसा बोलते हैं उसको, तो फिलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये तीन को याद रखेगा, ठीक है। कोरबा में जो होता है 1.7 मेगावाट का, एक और होता है ये मिनी माता के अलावा, ठीक है, मिनी माता तो फिलहाल बहुत सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस डैम से होता है पूछा जाए तो आपको हसदेव बांगो बांध या फिर मिनी माता जो परियोजना है वहां से मतलब मिनी माता बांध से ये जल विद्युत उत्पादन है सबसे अधिक 120 मेगावाट का, ठीक है। इसके बाद आपका 10 मेगावाट का गंगरेल बांध से, 7 मेगावाट का सिकासार परियोजना जो है यहाँ पे सिकासार बांध है, ठीक, गरियाबंद में परी नदी में वहां से होता है, और बाकी 1.7 मेगावाट के इधर आपका कोरबा से, कोरबा पश्चिम रिटर्न जो है वहां से होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है जल विद्युत परियोजना है वो है। टोटल जल विद्युत परियोजना जल विद्युत कितना उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में 138.7 मेगावाट का, इसको याद रखेगा। तो अलग अलग भी याद रखने हैं आपको 120, ठीक है, 120, 10 मेगावाट और 7 मेगावाट, इनको याद रखने अलग अलग। बाकी अगर तीनों को अगर चारों को अगर जोड़ देते हैं, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है 138.7 मेगावाट। तो 138.7 मेगावाट का जो जल विद्युत उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, इसमें कौन कौन सा मतलब जो बांध है वो शामिल है इसको भी याद रखेगा। आपको मिनी माता बांध यहाँ पे, ठीक है, ये मिनी माता बांध, यहाँ पे गंगरेल बांध, यहाँ पे सिकासार बांध, ये तीन मुख्य रूप से शामिल है, ठीक है। मिनी माता से आपका 120, ठीक है, मिनी माता से 120 मेगावाट का, गंगरेल बांध से 10 मेगावाट का, और यहाँ पे सिकासार से 7 मेगावाट का, ठीक है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये जल विद्युत के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब देखें यहाँ पे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए, तो इसमें और क्या बचा हुआ है, अच्छा देखो यहाँ पे जो हम लोग मिनी माता बांध जो देखते हैं, ठीक है, मिनी माता बांध ये 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे लिखा है लेकिन इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, सबसे मतलब 87 मीटर इसकी ऊंचाई है मिनी माता जो हसदेव बांगो बांध है, ठीक है, हसदेव बांगो बांध इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 87 मीटर। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे देखा। चलिए, तो देखो यहाँ पे इन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इन सब में कंफ्यूजन होता है। छत्तीसगढ़ में अगर प्रथम बांध पूछे तो रुद्री बांध को लेना है, प्रथम परियोजना पूछे तो आपका तांदुला परियोजना को लेना है, सबसे बड़ी परियोजना पूछे, ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पूछे तो आपको हसदेव बांगो बांध को लेना है, मतलब कि जो मिनी माता सिंचाई परियोजना को हम लोग देखें वो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सिंचाई हम लोग देखें 4.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है, ये सबसे पुराना आपका रुद्री, आपका गंगरेल बांध सबसे लंबा, ठीक है, ये सबसे लंबा अगर पूछे तो गंगरेल बांध को लेना है, धमतरी में है, और सबसे ऊंचा में आपका हसदेव बांध, ठीक है, हसदेव बांध इस प्रकार से यहाँ पे 87 मीटर इसका ऊंचाई हम लोग देखे हैं, ठीक है। चलिए, देखो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना में हम लोग देख चुके हैं खारंग सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना, ठीक, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़ में है, और आपका खारंग सिंचाई परियोजना बिलासपुर में है, ठीक है, खूंटाघाट परियोजना यहाँ पे खूंटाघाट, ये खारंग सिंचाई परियोजना संजय गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं, और तीसरा क्या है यहाँ पे राजीव गांधी परियोजना, फिर मनियारी सिंचाई परियोजना जो कि मुंगेली में है। तो यहाँ पे ये इन तीनों का मतलब इनको तो नाम याद रखना है लेकिन ये कहाँ कहाँ पे इसको भी याद रखेगा, ठीक है। खारंग कहाँ है आपका इसको याद रखना है, खारंग आपका बिलासपुर में, मनियारी आपका मुंगेली में, ठीक है, और केलो यहाँ पे रायगढ़ में, तो इनका जगह भी आपको याद रखना है। चलिए, तो लगभग लगभग सारे पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना करके देखें। देखो इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ते हैं लेकिन डिटेल में अगर हम कॉपी में लिख लिख करके पढ़ें तो वहाँ पे हमको याद नहीं हो पाएगा। जितना भी हम लोग जो मैपिंग में पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, डायरेक्ट दिमाग में घुसता है और आँख में वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, आँख बंद करेंगे फिर भी आपको कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सा बांध, कौन कौन सा परियोजना, कौन कौन सा नदी देखा है, उन सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर अगले वीडियो में।